हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ एमएसएमई मंत्री, आज मैं उन्हें एमएसएमई मंत्री के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस करूंगी, नितिन गडकरी साहब जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे याद है एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में ही आपने इस बात को रखा था और बहुत बेबाकी से रखा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हिंदुस्तान के लिए साबित हो सकता है ये कोरोना वायरस, और आज एक कोरोना बजट के तौर पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दे दिया है और उसमें पहला नंबर आया 370,000 का। कैसे देख रहे हैं आप इस लोन को? देखिए, अभी मैं आपकी बात को सुन रहा था। ये जो 3 लाख करोड़ अभी एमएसएमई को, 45 लाख एमएसएमई को मिलेंगे, ये 3 लाख करोड़ है ना, वर्किंग कैपिटल जो था, समझो 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, तो उसमें 2 करोड़ बढ़ाकर 12 करोड़ होगा, और 2 करोड़ के लिए कोई कोलैटरल देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना लोन लेते हैं उसके लिए गारंटी देनी पड़ती, घर मॉर्गेज करना पड़ता है, प्रॉपर्टी और कुछ करना पड़ता है, तो इसके लिए कोई गारंटी नहीं लेगी, इसका कोई शुल्क नहीं होगा और इसकी कोई फीस नहीं होगी। अब ये 3 लाख करोड़ आने से एमएसएमई को, जैसे सीरियस पेशेंट है, एमएसएमई की हालत भी थोड़ी सीरियस ही थी और ये आईसीयू में थी, तो अब ये 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आने से एकदम फायदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 31 मार्च तक हमने ऑलरेडी 6 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर की थी, जिसका जवाब मैंने पार्लियामेंट में दिया था, बैंकों ने किया था, उस मुदत को हमने अब 31 दिसंबर तक बढ़ाया है, और उसमें और एक किया है कि ये सबॉर्डिनेट डेट जो फंड है 20,000 करोड़ का किया है। अब जो गवर्नमेंट बैंकों के नियम में रिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, ये सबॉर्डिनेट डेट फंड जो है 20,000 करोड़ का, ये उसको हम देंगे डायरेक्ट उसको, जिसके कारण वो बैंक से फैसिलिटी ले सकेगा, तो इसके कारण भी रिस्ट्रक्चर होगा। और मैं मानता हूं कि अभी कम से कम 25 लाख एमएसएमई 31 दिसंबर तक इसमें रिस्ट्रक्चर होगी। बाद में फंड ऑफ फंड जो है 10,000 करोड़ का, ये जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझने की आवश्यकता है कि इसको अलग अलग फंड मिलाकर ये 50,000 करोड़ होगा, और इसमें जो इन्फ्यूजन होगा इक्विटी के लिए, तो उसके कारण भी इक्विटी में होगा। जैसे अभी मैं एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज की कल्पना कर रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि जैसे बड़े बड़े कंपनियां जो उनके शेयर लेते हैं, वैसे एमएसएमई जिनका रेटिंग अच्छा है, वो रेटिंग की व्यवस्था हम करेंगे। अब एक एक एमएसएमई 800-800 करोड़ का एक्सपोर्ट करने वाले एमएसएमई है, और उनको कैपिटल मार्केट से, जैसे आप छोटे छोटे लोग हमारे जैसे होंगे मार्केट के, वो अपना उनके इक्विटी के शेयर खरीदी करेंगे, और मैं ये फंड इक्विटी उसमें इन्वेस्ट करूंगा, उनके उनको फंड मिलने के लिए रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी मदद करूंगा, इक्विटी के लिए भी मदद करूंगा। और आज भी 10 रुपए का शेयर अगर हमने सरकार वो 50 करोड़ अगर इक्विटी खड़ी कर रहे हैं, तो 7.5 करोड़ भारत सरकार उसमें लेगी, ये सिन्हा कमेटी का रिपोर्ट है, तो वो 15% जो पैसा आएगा वो शेयर में मैं खरीद करूंगा, 10 रुपए का शेयर, शायद 4 साल के बाद मेरे शेयर की कीमत 40 रुपए हो जाएगी तो बेच दूंगा, वो पैसा रोलिंग घूमता रहेगा और ये एमएसएमई को लगातार सपोर्ट करता रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे एमएसएमई की हमने जो लिमिट थी वो भी बढ़ा दी, उसके बारे में बाद में मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। ये सब बातें एमएसएमई की ग्रोथ को एकदम 2 गुना 3 गुना स्पीड से बढ़ाएगा, और उनकी लिक्विडिटी आएगी और उनकी प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। हम सब ये बात जानते हैं नितिन गडकरी साहब कि एमएसएमई जो है उसका योगदान 25-27% है। आप ही का ये कहना है कि अगर हमने उसे बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया या 2 गुना से थोड़ा कम, लेकिन अगर कर दिया तो हिंदुस्तान एक अलग पायदान पर होगा, क्या अब आपका टारगेट यही है? देखिए, उसमें ऐसा है कि एमएसएमई का टोटल जीडीपी के ग्रोथ में 29% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके। दूसरी बात, हमारे देश का जितना एक्सपोर्ट होता है वो 48% हमारा एमएसएमई से होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी तक 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने खड़े किए हैं, और कुछ लोगों ने रजिस्टर किया है, किसी ने नहीं किया है, और ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों को मिलकर ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, 3 प्रकार की कैटेगरी है। अब मैं मानता हूं कि ये 6.5 करोड़ बहुत से लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, अब लिमिट बढ़ाने से और रजिस्टर करा, और मैं सब लोगों को आह्वान करूंगा कि आप रजिस्टर हो जाइए ताकि आपको इस स्कीम का फायदा होगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये 29% जो ग्रोथ है जीडीपी में, ये हम लोग 50% तक ले जाना चाहते हैं, और जो एक्सपोर्ट है वो 60% तक ले जाना चाहते हैं, और 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो हमारा हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, रूरल, ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र के उद्योग है, इसको विलेज इंडस्ट्री हम कहते हैं, उसका टर्नओवर 88,000 करोड़ है, और ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है,
और मैं अब बायोफ्यूएल, हनी, बांबू, फिशिंग एमएसएमई, एग्रो एमएसएमई और ये अलग अलग प्रकार के इसके लिए कैटेगरी में हम लोग अब रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं और इसको मैं 2 साल के अंदर 5 लाख करोड़ की विलेज इंडस्ट्री बनाना चाहता हूं। अगर ये हो जाएगा तो हिंदुस्तान के गांव सुखी समृद्ध संपन्न होंगे और जो देहात में इंडस्ट्री खोलेगा उसकी पॉलिसी एग्रो एमएसएमई करके हम अलग से तैयार कर रहे हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, ये चाइना के बारे में जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जापान के लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री चाइना में है वो अगर चाइना के बाहर निकलना चाहते तो बड़ा पैकेज उनने दिया है। तो अभी सभी देश जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी रिएक्शन चाइना के प्रति अच्छी नहीं है, तो क्यों ने हमें ब्लेसिंग इन डिसगाइज मानकर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे एमएसएमई में लाए, हमारे सेक्टर में लाए, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाए और इंपोर्ट को कम करे और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाए, रोजगार निर्माण करे और उससे गरीबी दूर करे, यही हमारी लाइन है और इसी पे हमको काम करना होगा। नितिन गडकरी साहब, आप बहुत सकारात्मक दिख रहे हैं और आप के सामने एक पूरा का पूरा रोड मैप मुझे दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, वो ये कह रही है नितिन जी कि जीरो है, जीरो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज नहीं है, ये तो आपने कर्ज मुहैया कराया है। कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पैकेज नहीं दिया है, सरकार ने पैकेजिंग की है, ये हेल्पलाइन नहीं है, ये महज हेडलाइन है। आप इनको कैसे समझाएंगे? देखिए, जो सोया है उसको जगाया जा सकता है पर जिसने सोने का ढोंग किया उसको जगाना मुश्किल होता है। विपक्ष में मैं भी बीजेपी का अध्यक्ष था और लीडर ऑफ अपोजिशन था। दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति है कि विपक्ष को विरोध में बोलते ही है और नहीं बोलेंगे तो आप जैसे मीडिया के लोग बोलते इनको मैच किया है, तो ये स्वाभाविक रूप से ये रिएक्शन है। मुझे लगता कुछ लोग तो पैकेज डिक्लेयर होने के पहले अपने रिएक्शन तैयार कर लेते हैं, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर एक बात आपको मैं जरूर समझाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये पैकेज मिला है इससे एमएसएमई को एक्चुअल लिक्विडिटी बढ़ाने में इसका उपयोग होगा। इसके कारण काफी बड़े उसके इंपैक्ट है मार्केट में। 20 लाख करोड़ की अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी एक्सीलेट होगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू उस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपके स्टूडियो में काम करने वाले किसी सैलरी वाले को अगर आप ये पैकेज अगर इंडस्ट्री को मिला तो उसका फायदा उसको मिलेगा। अब उसको 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा तो मार्केट में जाएगा, लड़कों के लिए कपड़े खरीदी करेगा, तो कपड़े खरीदी करेगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा और फिर जो कपड़े वाला जो है जिसके खरीदी किए वो जाके और कुछ खरीदी करेगा तो उसका जीएसटी मिलेगा। तो धीरे धीरे ये कोई पैसा रुकता नहीं, ये नदी जैसा बहते रहता है, ये मल्टीप्लाई होता है और इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड में जब आर्थिक संकट आते हैं तो इसी प्रकार से लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है अब उनकी बातों को मैं कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करूंगा, पर मैं एक बात कहूंगा कि इस समय देश संकट से गुजर रहा है, पूरे विश्व संकट में है। जात पंथ धर्म भाषा राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, वो भी जीतनी है और दूसरी ओर हमको इकोनॉमिक वॉर भी जीतनी है। हमको सबको एक होकर इस समय हम राजनीति न करते हुए देश के विकास के लिए एक होकर एक दिशा में जाए तो उसमें देश का कल्याण है। ये खत्म होने के बाद हर व्यक्ति को लोकतंत्र में आप पार्टी को अपनी राजनीति करने का अधिकार है, वो जरूर करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नितिन गडकरी, क्या ये COVID-19 से लड़ने के नहीं, के लिए नहीं, महज उसके लिए नहीं, एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद है? और इस बीच में बता दूं नितिन जी, स्मृति ईरानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, केंद्रीय मंत्री, इनफैक्ट वो स्क्रीन पर नजर आ रही है, पर मैं चाहती हूं आप इसका जवाब दें। स्मृति जी, आपका भी स्वागत है इस बीच। जी देखो, बिल्कुल सही बात है, हमारा स्वावलंबन और स्वदेशी ये दो मंत्र हमारे हैं और मैं ये कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, और इसलिए मॉडर्नाइजेशन के समर्थक है, आधुनिकीकरण के समर्थक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और मैं दो बातों का बहुत वकालत करते रहता हूं, एक कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ और दूसरा कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और हमको एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में एग्रो एमएसएमई
फिशिंग एमएसएमई, ये अलग अलग प्रकार की एमएसएमई करनी पड़ेगी, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में हमारा इंडस्ट्री लेके जाए। आपको एक गंभीर बात बताता हूं, जिसके लिए आप कभी जरूर कार्यक्रम करना, कि ये जो नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, फिर चेन्नई, बेंगलोर जो आता वो वही चला जाता है। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। मैं एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं और उसके बाजू में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की बात सोच रहा हूँ, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज बनाने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमको अब ये इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन भी करना पड़ेगा। जरूर कभी मौका मिलेगा तो इसका डिटेल पिक्चर मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ऐतिहासिक रिवोल्यूशनरी 20 लाख करोड़ का टोटल जीडीपी के 10% ये दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा निर्णय है प्रधानमंत्री जी का, मैं अभिनंदन करता हूं। और इससे एमएसएमई जो आईसीयू में थी वो बाहर निकालकर दौड़ने लगेगी और देश की इकोनॉमी सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेगी और सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगी और हम उस दिशा में आगे दौड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि नितिन गडकरी जब इन सारे आर्थिक पैकेजेस का जिक्र कर रहे थे और डिटेल में समझा रहे थे, क्योंकि कोरोना को लेकर है, इस कोरोना वायरस को लेकर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वायरस जो है वो लैब जनरेटेड वायरस है? देखो, वायरस दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो मुझे लगता है, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ताकि मेडिकल प्रोफेशन में और साइंटिस्ट के पास इसका ठीक से जवाब नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि यह आर्टिफिशियल है। मैं कोई विवादों में गिरना नहीं चाहता, पर जल्दी ही इसका वैक्सीन आ जाएगा और इसकी डिटेक्शन सिस्टम आ जाएगी, और डिटेक्शन सिस्टम और वैक्सीन अगर आ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी काफी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इतना ही मैंने उसको इलाबोरेट किया है, बाकी फिर क्या, जैसे बाकी दुनिया भर की विवादे और वादे चल रहे हैं उसमें मैं गिरना नहीं चाहता। ये मेरा एक इनोसेंट व्यक्तिगत मत है, वो केवल मैंने बताया कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल होता तो हमारे पास उपाय होते, अभी डेंगू मलेरिया के हमारे पास वैक्सीन है, पर ये अचानक आया है तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये आर्टिफिशियल है। तो अब शायद हमारी साइंटिस्ट और हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग अगर इसका ठीक प्रकार से वैक्सीन ढूंढेंगे, और हमने एक बार वैक्सीन लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बाकी इसके बाकी विवादों में मैं गिरना नहीं चाहता, ये मेरा इनोसेंट व्यक्तिगत मत था, उतना मैंने कहा। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और अब आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई का बड़ा योगदान और आप ही इस वक्त एकदम सेंटर में है उसके। बहुत बहुत शुक्रिया